हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि एयरटेल में आपका डाटा ऑन है और फिर भी आपका नेट नहीं चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ मैं आपको बताया हूँ। तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जैसे मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, वैसा स्टेप आपको फॉलो करना है और यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखिए एयरटेल ऐप में आना है और चैट पर क्लिक करना है साइड में। तो जैसे चैट पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ मैंने आपको दो मेथड बताया, दोनों आपको करना है। एक कंपनी के वहाँ से हमें प्रॉब्लम आ जाती है फ्रेंड्स, तभी भी हमारा ये प्रॉब्लम आता है, और एक सेटिंग में से होता है। तो जैसे आप स्टेप बताते हो आपको वैसे सेम टू सेम फॉलो करना है, इसके अंदर आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं क्या है। दोस्तों, हमें पहले कंपनी में कंप्लेंट करना होगा, अगर वहाँ से प्रॉब्लम है तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। सेकंड हमारा सेटिंग में है तो सेटिंग से सॉल्व कर लेंगे बाद में सेकंड मेथड में। तो दोस्तों, आपको यहाँ लिखना है डाटा नॉट वर्किंग। तो पीछे जाके आप देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया है, कैसे हमने स्टार्ट किया था। एयरटेल ऐप में आने का साइड में आपको चैट का ऑप्शन है, नीचे देखिए उस पर क्लिक करना है, डाटा नॉट वर्किंग लिख के उनको सेंड करना है। क्रिएट न्यू टिकट पर क्लिक करके डाटा नॉट वर्किंग पर सेंड करना है फ्रेंड्स, और डाटा रिलेटेड आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट योर इशू, तो ब्राउजिंग इशू आपको अब सेलेक्ट कर लेना है। ब्राउजिंग इशू सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये बता रहा है वन लोकेशन मल्टीपल लोकेशन, तो आपको ऑल लोकेशन पे कर देना है फ्रेंड्स, ऑल लोकेशन सेलेक्ट करना है। वन डे, टू, थ्री डे, कब से आपको हो रही प्रॉब्लम, तो आपको जब से हो रही तब आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको स्पेसिफिक टाइम ऑल द टाइम बता रहा है, कब होती, कभी कभार होती, क्या हरदम फ्रेंड्स, तो आपको सेलेक्ट विलेक्ट कर लेना। आप कितने माले पे रहते हो ये सब पूछेगा स्टार्टिंग में, तो आप जितने भी माले पे रहते हो बता देना उसको। फॉर 1-4 ये सब आपको पूछेगा। सिग्नल के बाहर कितने दिख रहे फ्रेंड्स, जो हमारा ऊपर सिग्नल दिख रहा है उसके बाहर कितने ये सब पूछता है। तो यहाँ मेरे 4 दिख रहे, 4x4 फुल नेटवर्क है फिर भी डाटा नहीं चल रहा है। चलो फिर अभी फ्रेंड्स ये आगे का प्रोसेस करेगा वो आपको देखना है। तो ऐसा आपको कंप्लेंट करना है फ्रेंड जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ही होगा आपका प्रॉब्लम फिक्स। सो टेल यू द लोकेशन ऑफ द इशू, तो आपको लोकेशन वोकेशन दे देना है फ्रेंड्स। हमने लोकेशन परमिशन ऑन कर दिया, आपको लोकेशन की परमिशन ऑन कर देना है। ये चेक करेगा आपके लोकेशन में जो उनका वो है फ्रेंड्स, टावर है उनका, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो फ्रेंड्स, नहीं कर रहा है तो वो कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते और उसको ठीक करते। और अगर आपका कोई अंदर से प्रॉब्लम है आपके अकाउंट में से, तो वो भी फिक्स कर देगा अगर वहाँ से। तो यहाँ आपसे नंबर मांगा जाता है, आपसे कॉल पे बात करेंगे फ्रेंड्स, जब भी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी तो आपको बता देंगे, ये नंबर वंबर दे देना, आपको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट राइज हो चुकी है, अब चेक करेंगे अगर वहाँ से प्रॉब्लम है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगर सेटिंग में से तो वो आपको खुद करना है, अब कैसे करेंगे वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए, आपको अपनी सेटिंग में जाना है और यहाँ आपको ऐप लिस्ट में चले जाना है, ऐप मैनेजर में, जहाँ सारे एप्लीकेशन होते हैं सिस्टम एप्लीकेशन में जाना है आपको। तो चलिए हम पहले ऐप मैनेजर में जाते हैं। अब यहाँ ऐप लिस्ट है फ्रेंड्स आपके, उसमें देख लेना, अगर कोई दूसरा मॉडल यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर ऐप लिस्ट में जाना है, फिर उसके बाद सिस्टम ऐप में जाना, जहाँ सारे सिस्टम के ऐप होते शो सिस्टम पे क्लिक करके आपको दिख जाएगा अगर रियलमी का यूज़ कर रहे हो। अगर कोई दूसरा मॉडल है तो आपको खुद देख लेना किधर सिस्टम ऐप है, उसके अंदर जाना है। और यहाँ फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कैरियर सर्विस को क्लियर डाटा करना है, कैरियर सर्विस करके ऐप होगा उसका क्लियर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंजीनियर नेटवर्क करके रहता है, तो आप कोई दूसरा मॉडल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ नेटवर्क नाम का ऐप होगा, उसको आपको जितने भी नेटवर्क नाम के सबका जितने का ऑप्शन मिलता है आपको क्लियर डाटा का, सबका आपको क्लियर डाटा क्लियर कैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एरर आने की वजह से भी हमारा ये जो प्रॉब्लम होता है डाटा वर्क नहीं करता है ऑन होने के बाद भी। आगे और भी सेटिंग बताऊंगा किस किस वजह से होता है, तो पहले ये देख लीजिए जो जो वजह से होता है सबको हम सॉल्व करेंगे। अब आपको फ्रेंड्स सिम कार्ड ऐप पे आना है, एन की लिस्ट में जाके हमने कर लिया, अब एस की लिस्ट में आना है आपको सिम कार्ड ऐप। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी एरर आने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, इसका भी डाटा क्लियर कर लेना है हमें। और अब आप बैक चले जाना है और रीसेट नेटवर्क सेटिंग करना है, तो बैक चले जाइए और आपको सेटिंग के मेन पेज पे, होम पेज पे सेटिंग के सर्च करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। अगर आपका सर्च बार नहीं है तो आप मैन्युअली सर्च कर लेना और रीसेट नेटवर्क सेटिंग में जाके अपना जो नेटवर्क है उसको पूरा रीसेट कर लेना है। यहाँ पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड दे देना है और रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर लेना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, जितनी भी आपकी जो नेटवर्क है इश्यू है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है, ज़ीरो प्रॉब्लम बचती है। बस अब अगर आपने कहीं गलत सेटिंग करके रखा है
नेटवर्क की डाटा की बंद करके रखा है वो आपको बताने वाला, बहुत जगह गलत सेटिंग भी होती है फ्रेंड्स, वो आप गलती से इनेबल कर देते हो, इस वजह से भी आपका डाटा नहीं चलता है। तो डाटा यूसेज में जाना है आपको, डाटा जिधर ऑन करते हो उस पर क्लिक करके आप चले जाओगे मोबाइल डाटा लिमिट। देखिए इधर दिख रहा है आपको मोबाइल डाटा लिमिट। कभी कभार फ्रेंड बहुत लोग ये डाटा लिमिट लगा के रखते हैं, कभी भी इसको ऑफ रखना है। अगर आपने डाटा लिमिट ऑन किया है तो आपका डाटा ऑन होने के बाद भी फ्रेंड्स वो लिमिट से बाहर नहीं चलता है, रुक जाता है, इस वजह से आपको डाटा लिमिट को ऑफ रखना है। और सेकंड आपको अपना सिम कार्ड चेक करना है, कौन से फ्रेंड्स आपने रखा, दो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो तो जिसमें रिचार्ज है उस पर ही डाटा इनेबल करके रखना है, जिसमें रिचार्ज नहीं है अगर उस पर किए तो फ्रेंड्स नहीं चलने वाला है। सिम वन पे अगर आपका रिचार्ज है तो सिम वन पे डाटा मोबाइल डाटा यूज़ होना चाहिए तो ही आपको चलता है। तो मेरे उसमें एक सिम है, इसके लिए आपको यहाँ शो नहीं कर सकता हूँ, तो आप देख लेना आपका जिस पे उस पर ऑन करके रखना है, इस वजह से प्रॉब्लम आता है। अब सेकंड फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, फिर आपको अपना डाटा भी चेक कर लेना। तो अभी मैं इधर एयरटेल के अंदर आपको बता देता हूँ, अपना डाटा चेक कर लेना एक बार, अगर आपका डाटा ख़त्म हो गया तो आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टेप बताया उसको आपको फॉलो करना है, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अपना डाटा यहाँ भी चेक कर लेना, कभी ख़त्म हो गया तो फिर फ्रेंड्स तभी भी नहीं चलता है, तो ज़रूर चेक करना। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।